नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम बात करने वाले हैं जसलीन कौर और सरबजीत सिंह के उस केस के बारे में जो कि 2015 में हुआ था। 2015 में सरबजीत सिंह के ऊपर जसलीन कौर ने एलिगेशंस लगाए थे कि सरबजीत ने जसलीन का मोलेस्टेशन किया है और उसके बाद सभी न्यूज चैनल्स पर सरबजीत सिंह और जसलीन कौर छा चुके थे। प्राइम टाइम पर कुछ और डिस्कस नहीं होता था, केवल यही केस डिस्कस होता था। टाइम्स नाउ ने एक धारणा बना ली थी कि गलत है तो बस लड़का गलत है, लड़की तो गलत हो ही नहीं सकती। आपने क्या सोच के उस लड़की पे ये आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर है, इसलिए वो अपना एजेंडा चला रही है। बदतमीजी आप करते हैं और फिर आप लड़की पे ये ब्लेम डालते हैं कि वो अपना एजेंडा चला रही है। मैम पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन होते हैं, मुझे ये बोलने लगे मैंने बदतमीजी। बिल्कुल मैं होती हूँ, क्योंकि उसके पास एविडेंस है। उसने पुलिस के, आपको लगता है पुलिस के पास जाना इतना आसान है? वो जाके एविडेंस देती है, वो जाके उन्होंने सिर्फ फोटो क्लिक की है, उसमें उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने उसको अब्यूज कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। सरब जी कोई मजाक में फोटो नहीं खींचता, आपको लगता है इतना आसान है कि मजाक में अपना वो फोटो डालेगी? वो आपको जानती नहीं है, क्लियरली आपने बदतमीजी की, उसने फोटो लगाई और अब आप कह रहे हैं वीडियो भी चाहिए आपको। जिस तरीके से टाइम्स नाउ ने सरबजीत सिंह का इंटरव्यू लिया था, उसके बाद जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने टाइम्स नाउ को कहा कि आप पहले सरबजीत सिंह से माफी मांगिए। तो अब 3 साल बीत चुके हैं इस केस को, तो 3 साल के बाद इस केस का क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम इसको बता देते हैं कि जब ये केस उठा था उस वक्त 2 पक्ष आए थे, एक जसलीन कौर का पक्ष था, एक सरबजीत सिंह का पक्ष था। जसलीन कौर ने कहा कि इसने मेरा मोलेस्टेशन किया है, सरबजीत सिंह ने कहा कि मैंने कोई मोलेस्टेशन नहीं किया, मैं एक चौराहे पर खड़ा था और वहां से मैं मुड़ रहा था, लेफ्ट टर्न ले रहा था, चौराहे पे जो थी रेड लाइट थी और जसलीन कौर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि वहां से मेरे को लेफ्ट ही तो लेना है और कौन सी रेड लाइट है जो लेफ्ट लेने से रोकती है। इसके इतनी सी बात हुई थी कि इसने मेरा फोटो वोटो खींच लिया और उसके बाद फेसबुक पर डालकर मुझे कहने लगी कि मैंने मोलेस्टेशन किया है। तो सरबजीत के हिसाब से ये मुद्दा था और जसलीन कौर बार बार लगातार यही कहे जा रही थी कि उसी तिलक नगर में, जहां का जिक्र सरबजीत ने भी किया, उसी जगह पर इन्होंने मोलेस्टेशन किया है। तो ये 2 पक्ष थे। अब इन 2 पक्षों को साथ देने वाले लोग भी थे। तो जितने भी लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर्स थे या जितने भी लेफ्ट लीनिंग लोग थे, वो सभी के सभी पक्ष ले रहे थे जसलीन कौर का, और जितने भी राइट विंग के लोग थे या राइट लीनिंग लोग थे वो पक्ष ले रहे थे सरबजीत सिंह का। और जसलीन कौर जो कि सेंट स्टीफंस की स्टूडेंट थी, उसका सीधा सीधा लिंक आम आदमी पार्टी से था। और जब इन्होंने ये आवाज़ उठाई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट लिखकर जसलीन कौर को संबोधित किया और कहा कि जसलीन कौर ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेट जसलीन कौर 89 फॉर हर ब्रेवरी, गर्ल्स ऑफ दिल्ली शुड फॉलो हर एंड स्पीक अप अगेंस्ट सच अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स। अभी तक कोर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सरबजीत सिंह को दोषी ठहरा दिया था। तो यहीं से पता चल जाता है कि लेफ्ट लीनिंग जितने भी लोग थे वो सब जसलीन कौर को फॉलो कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे, और जितने भी राइट लीनिंग लोग थे वो सरबजीत सिंह के साइड थे। लेकिन अब बात करते हैं कि इन 3 सालों में हुआ क्या है। इन 3 सालों में ये केस वहीं का वहीं ठहर गया है जहां से ये शुरू हुआ था। इन 3 सालों में 10 डेट्स पर बुलाया गया है सरबजीत सिंह और जसलीन कौर को कोर्ट के द्वारा। उन 10 की 10 डेट्स पर जसलीन कौर नदारद रहती हैं, जसलीन कौर उन किसी भी डेट्स में नहीं आती हैं और सरबजीत सिंह हर एक डेट में मुंह उठाकर चले जाते हैं। वहां पर ये सुनने कि जिसने कंप्लेंट दायर की है वो व्यक्ति तो आया ही नहीं है, यानी कि जसलीन कौर तो आई ही नहीं है, तो इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। और 9 तारीख ऐसी बीत जाती हैं जिसमें अगली तारीख दे दी जाती है क्योंकि जसलीन कौर वहां पर नहीं होती हैं। तो इस केस का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, वो केस वहीं की वहीं स्टैग्नेंट है जहां से ये शुरू हुआ था।
फिर जब 10वीं तारीख आती है तो तब सरबजीत सिंह कहते हैं जज साहब को कि साहब 3 साल हो गए मुझे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, अब तो इस केस को आगे बढ़ा दो। तो जज साहब कहते हैं कि आप अगली डेट पे आइए, और अगली डेट पे भी अगर जसलीन कौर नहीं आती हैं तो उनके अगेंस्ट बेलेबल वारंट निकाल दिया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा। तो 10 डेट्स लग जाती हैं, 3 साल लग जाते हैं केवल जसलीन कौर के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट देने में जज साहब को कि उनको बुलाया जाए यहां पर पहली हियरिंग के लिए। तो कम से कम अब सरबजीत सिंह से जब बात की जाती है तो सरबजीत सिंह कहते हैं कि ये जो 3 साल थे ये मेरी जिंदगी के बेहद वाहियात साल रहे, इसमें मुझे अपना करियर बनाना था। मैं 27 साल का था 2015 में, आज मैं 30 साल का हूं, मुझे अपना करियर बनाना था लेकिन मेरा करियर बनने की जगह बिगड़ता जा रहा है। सरबजीत सिंह एक कंपनी में काम करते थे जो कि लेबल्स बनाती थी मल्टीनेशनल कंपनीज के। उस कंपनी ने 2015 में सरबजीत सिंह को निकाल दिया। सरबजीत सिंह को कहा कि आपकी वजह से हमारी क्लाइंट्स की नज़रों में हमारी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, आप मॉलेस्टेशन केस में फंसे हैं जिसकी वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते अपनी ब्रांड वैल्यू का, तो हम आपको निकालते हैं। उस कंपनी से जब सरबजीत को निकाल दिया गया तो उसके बाद वो एक मैरिज ब्यूरो में काम करने लगे, और मैरिज ब्यूरो में जो उनको सैलरी मिलती थी वो पहले से 40% कम मिलती थी। लेकिन सरबजीत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सरबजीत को वो नौकरी करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैरिज ब्यूरो वालों ने भी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर सरबजीत सिंह को निकाल दिया। उसके बाद सरबजीत सिंह तीसरी जगह पर काम करने लगे। अब तीसरी जगह पर भी जब वो काम करने लगे वहां पर भी वो बार बार डेट्स के लिए छुट्टियां मांगते थे, तो इस बात से तंग आकर सरबजीत सिंह को कह दिया गया कि आप यहां से जा सकते हैं, हम बार बार इस तरीके की इरेगुलरिटीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और सरबजीत साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मुझे एक क्रिमिनल की तरह ही देखा जाता था मेरे वर्क प्लेस पर। आज सरबजीत सिंह एक छोटी सी कंपनी में फिर काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी जो पहले उन्हें सैलरी मिलती थी उससे भी काफ़ी कम है। आज सरबजीत सिंह के पास पासपोर्ट भी नहीं है, उनको दिल्ली से बाहर जाना होता है तो उनको पुलिस के सामने एक अर्जी लिखनी होती है और कहना पड़ता है कि मुझे दिल्ली के बाहर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। सरबजीत सिंह की आज ये हालत है केवल एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में, केवल जसलीन कौर के एंटरटेनमेंट के चक्कर में। जसलीन कौर से जब पूछा जाता है, उनके फादर से जब पूछा जाता है कि जसलीन कौर इतनी सारी डेट्स पर क्यों नहीं आई, तो बताया जाता है कि जसलीन कौर कनाडा गई हुई हैं पढ़ने के लिए। तो जब ये बात सरबजीत सिंह को बताई गई तो सरबजीत सिंह ने कहा कि सही बात है भाई, जसलीन कौर को पूरा पूरा हक है उनका करियर बनाने का, फंसते तो हम जैसे लोग हैं, हमें कोई हक ही नहीं है अपना करियर बनाने का। और ये बात साफ तौर पर दिखाई भी देती है कि जसलीन कौर तो अपना करियर बना रही हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, वहीं सरबजीत सिंह जो एक सैलरी ड्रॉ कर रहे थे 2015 में, आज उससे करीबन 60% कम सैलरी लेकर अपना घर चला रहे हैं। और ऐसे ही असंख्य कितने ही केसेस हैं जिसमें लड़के की कोई गलती नहीं होती फिर भी लड़के का जो करियर है, लड़के का जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर दिया जाता है केवल और केवल एक झूठे केस में। हम आपको एक दूसरा इंसिडेंट बताते हैं। दूसरा इंसिडेंट है फरीदाबाद का। 2 लड़के जिनके ऊपर रेप का केस लगा दिया गया, रेप का चार्ज लगा दिया गया 2001 में। 2001 के बाद इस केस को सुना गया फरीदाबाद के सिविल कोर्ट में। फरीदाबाद के सिविल कोर्ट में ये आदेश दिया गया कि लड़का मुजरिम है, लड़के ने रेप किया है। उसके बाद लड़के ने हाई कोर्ट में अपील की। अब हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि लड़का दोषी है। उसके बाद लड़का जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि लड़के ने कुछ नहीं किया। तब तक
10 साल बीत चुके थे लड़के के जेल की सलाखों के पीछे। 10 साल से वो लड़का जेल में कैद है जबकि उस लड़के ने कुछ नहीं किया, लड़की ने फेक रेप का चार्ज उसके ऊपर लगा दिया। जायरा वसीम का केस पिछले ही साल हमारे सामने हुआ है। उससे पहले रोहतक ब्रेव हार्ट्स का भी आपने जिक्र सुना होगा। प्राइम टाइम पर रोहतक ब्रेव हार्ट्स को बिठा दिया जाता है और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने जो धुनाई करी उन लड़कों की उसको देख के तो मजा आ गया, आप ब्रेव हैं, आप बहुत बहादुर हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि उन लड़कों की कोई गलती ही नहीं थी, उन लड़कों की कोई गलती ही नहीं थी। और वो जो लड़के थे वो आर्मी के एस्पिरेंट्स थे, वो उनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था, लेकिन इस केस की वजह से उनका जो सिलेक्शन है आर्मी में जो सिलेक्शन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। उन लड़कों का जो करियर बनना था वो बिगड़ गया। तो अब हम आपको थोड़े से स्टैट्स देते हैं। अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 तक के स्टैट्स हैं और इन स्टैट्स के अनुसार 53.2% जो रेप केसेस दर्ज हुए इस टाइम पीरियड में, उनमें से 53.2% रेप केसेस फेक थे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जितने रेप केसेस दर्ज कराए जाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा फेक होते हैं। तो क्या लड़कों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए? साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं, जब वो फरीदाबाद वाला केस उठा था, जब सुप्रीम कोर्ट में उन लड़कों को बरी कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लड़कों को छोड़ देना चाहिए, इन्होंने रेप नहीं किया है, फेक रेप का चार्ज था, तो वकील साहब ने पूछा कि 10 साल इन लड़कों ने जेल की सलाखों के पीछे बिताए, तो अब लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए, या फिर इन लड़कों का जो प्राइम था, इन लड़कों को जब अपना घर बसाना था, जब अपना करियर सेट करना था, तब तो इस जेल की सलाखों के पीछे थे, तो अब इन लड़कों को क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो इस बात पर जज साहब चुप थे। जज साहब के पास कोई पॉइंट नहीं था बोलने के लिए और वो कोर्ट इज अर्जेंट बोलकर चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो मुद्दा हमने आज उठाया है वो आप सभी को पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे ताकि ये मुद्दा एक आवाज़ बन सके, ताकि लड़कियां कुछ केस करने से पहले सोच सकें। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें पेट्रियन पर हेल्प कर सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स तीनों ही चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।